फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। मैं एक बार आपका फिर स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूकेजी क्लास का सिलेबस कि हम यूकेजी क्लास में बच्चों को क्या क्या करवाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखो यूकेजी क्लास का सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है। अल्फ़ाबेट ए टू जी करवा दिया जाता है, कैपिटल और स्मॉल। फोनिक साउंड होता है, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, वोवल वर्ड्स होते हैं थ्री लेटर्स, टू लेटर्स, और आर्टिकल ए और एन का यूज किस तरीके से किया जाता है, करवाया जाता है बच्चों को। कॉन्सेप्ट ऑफ दिस दैट, दोस का कॉन्सेप्ट करवाया जाता है यूकेजी क्लास में। राइमिंग वर्ड्स हैं और अपोजिट वर्ड्स है, रीडिंग, ठीक है, रीडिंग आ जाती है, शॉर्ट सेंटेंस की रीडिंग, स्टोरी टेलिंग होती है, छोटे छोटे जो सेंटेंस होती हैं और स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरी बच्चों को करवाई जाती है पिक्चर के थ्रू। और पिक्चर कंपोजिशन आ जाता है, वर्ड सेंटेंस, ठीक है, और फ्लैश कार्ड के थ्रू बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, स्टोरी टेलिंग है, कन्वर्सेशन है, ये सब क्या है बच्चों को यूकेजी क्लास में करवाया जाता है इंग्लिश के सिलेबस में, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स के सिलेबस में देखो क्या आ जाता है हमारा, बिग स्मॉल, सबसे स्टार्टिंग में बिग स्मॉल है, टॉल शॉर्ट है, इन आउट, मोर लेस, ठीक है, और हैवी लाइट, ये सब हो जाता है। फिर नंबर्स हो जाते हैं 1 to 200, 100 तक एलकेजी में करवा दिया जाता है, उसके बाद 200 तक बच्चों को यूकेजी में काउंटिंग लिखना सिखाई दी जाती है। और बैकवर्ड काउंटिंग आ जाती है 100 to 1, ठीक है, 50 to 1 हमारा एलकेजी में हो जाता है। टेबल आ जाते हैं 2 to 5 तक, लिखना भी और उसको याद करना। काउंट एंड राइट हो जाता है, बिफोर एंड आफ्टर, बिटवीन, और उसके बाद देखो फॉरवर्ड काउंटिंग आ गई जो मैंने अभी बताया था, बैकवर्ड काउंटिंग, ये सब क्या है मैथ्स का सिलेबस। तो फिर आ जाते हैं आपके नंबर नेम, आ जाते हैं 1 to 100 तक। स्किप काउंटिंग आ जाती है, मैं अपनी वीडियो में आपको वर्कशीट के थ्रू इन सब चीज़ के बारे में बताती रहती हूँ। तो अगर से आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं और मेरी वीडियो ज़रूर देखें। तो उसके बाद देखो एडिशन आ जाता है, सबट्रैक्शन आ जाता है, ये एलकेजी क्लास में भी स्किप काउंटिंग, नंबर नेम 1 to 10 एलकेजी क्लास में करवा दिए जाते हैं, ऐड और ये सबट्रैक्ट यूकेजी क्लास में हम उस थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़े से सम्स क्या हो जाते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं। एलकेजी में 2 डिजिट के होते हैं, इसमें हमारा डिजिट थोड़ी सी बढ़ जाती है बच्चों की, बस कैरी वाले सम यूकेजी में हम नहीं करवाते। टाइम, मनी, वैल्यू, ये सब यूकेजी क्लास में आ जाएगा बच्चों का। सिंपल एडिशन, सबट्रैक्शन, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू भी हम बच्चों को करवाते हैं। पुटिंग साइन आ जाता है, लेस, मोर देन वाला, इक्वल वाला, और कुछ शेप्स आ जाती हैं। ये था मैथ्स का सिलेबस। अब आ जाते हैं हम हिंदी के सिलेबस की तरफ। देखो हिंदी में क्या क्या सिलेबस आएगा, स्वर है आ से आ तक, फिर व्यंजन है का से ज्ञा तक, ये सब रिवीजन में आ जाता है। फिर मोस्टली यूकेजी में आ जाता है मात्राओं का ज्ञान, स्टार्टिंग में मात्राओं का ज्ञान, देखो जो भी मात्राएं हैं वो यूकेजी क्लास में करवाई जाती है। फिर व्यंजन का से ज्ञा तक मात्राएं लगाना, जो भी व्यंजन है उनमें क्या करवाया जाता है, बच्चों को मात्राएं लगानी सिखाई जाती है, जो भी मात्रा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जाती है यूकेजी क्लास में, ठीक है। हर एक मात्रा को क्या करवाया जाता है, व्यंजन पर लिखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे शब्द, बराखड़ी, ये सब लिखना और पढ़ना यूकेजी क्लास में हिंदी में बच्चों को करवाया जाता है। नेक्स्ट देखो चित्र देखकर नाम लिखना, श्रुत लेख, फिर देखो सही जगह पर सही मात्राएं लगाना, रंगों के नाम, फलों के नाम, हिंदी की गिनती, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, रंगों के नाम भी क्या हो जाते हैं उसमें, ई की मात्रा, आ की मात्रा उसमें क्या हो जाती है, आ जाती है। फलों के नाम में भी देखो लगभग सब मात्राएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं। गिनती में क्या होता है 1 से 10 तक तो मात्राएं नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन करवा दी जाती है। फिर उसमें देखो लिखना और पढ़ना बच्चों को करवाया जाता है। अब मैं जीके में बताती हूँ, जीके में क्या हो जाता है, एक तो माईसेल्फ आ जाता है बच्चों का, जीके में क्या जाता है
माई सेल्फ आ जाता है, बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन्स आ जाता है, माई होम, माई फैमिली, माई स्कूल, और देखो सीजन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट। तो क्या होता है, हर स्कूल के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज होता है जीके क्वेश्चन आंसर में, लेकिन लगभग क्या होता है यही चीज़ें क्या जाती हैं, आती है फ्रूट्स नेम हो गया, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब क्या होती हैं इसमें जीके में आ जाती है यूकेजी क्लास में। वाइल्ड एनिमल्स, देखो पेट एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, ये सब क्या होता है, और नॉन लिविंग, लिविंग ये क्या होता है पिक्चर के थ्रू बच्चों को करवाया जाता है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी किस तरीके से बुक के थ्रू हम थोड़ा सा बताएंगे। तो ये देखो इस तरीके से क्या होती है, छोटी छोटी स्टोरी इस तरीके की बच्चों को बनाकर, देखो हिंदी में देखो मात्राएं, पिक्चर के थ्रू इस तरीके से बच्चों को यूकेजी क्लास में सिखाया जाता है। देखो ये है, देखो इस तरीके से मात्राएं क्या कर रही हैं यूज में लाकर बच्चों को सिखाई गई है। देखो ये देखो सही शब्द पर गोला बनाया है, तो इससे क्या होता है बच्चों को शब्द जो भी मात्राएँ हैं उनकी अच्छी तरीके से पहचान हो जाती है यूकेजी क्लास में। ये देखो इस तरीके से ये दिया एक्सरसाइज है बुक के पीछे, इस तरीके से वर्क बच्चों को यूकेजी क्लास में करवाया जाता है मात्राओं का। ये देखो इस तरीके से, ये देखो बोल बोल कर पढ़िए, इस तरीके से बच्चों को रीडिंग करवाई जाती है, और ये अभ्यास कार्य बुक में भी होता है और कॉपी में भी करवाया जाता है। इंग्लिश में भी देखो वोवल साउंड आ गए, देखो कॉन्सोनेंट है, ये एक्टिविटीज़ है। देखो सर्कल द पिक्चर दैट स्टार्ट विद द गिविन वोवल, तो देखो इस तरीके से बच्चों को एक्टिविटी भी देखो बुक में भी करवाई जाती है और हम कॉपी में भी बच्चों को करवाते हैं। तो ये देखो आगे देखो ये टू लेटर वर्ड्स हैं और उन्हीं से क्या बना हमारा थ्री लेटर वर्ड्स भी बन गए। तो ये वोवल है, देखो ए वोवल है, ये देखो इसमें रीडिंग करने के लिए ऐसी देखो एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम बच्चों को क्या करवाते हैं पढ़ना और लिखना साथ साथ में सिखाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए